गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउन. नाउ इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun and material noun. So let's get started. Some names are common. They are given in common to persons or things of same class or kind. They are called common nouns. For example, man, dog, pen, village, toy, etc. So whenever we name same kind of thing, okay, we give them a name. So then we call them a common noun. Okay. For example, village. It is an example of common noun. Toy. It is an example of common noun. Now moving on to next one, proper noun. Some names are individual or personal. They are given to a particular person, place or thing. They are called proper noun. They always start with a capital letter. But whenever we give a particular or a definite name to a person, place or thing, then we call them proper noun. So let's understand this with example. For example, Suresh Rajni. This is the name of a particular person. So that's why they are proper noun. Place. So now there are so many cities. Okay. So city is a common noun. But if I am talking about Mumbai and New Delhi, so it is a name of a particular place or particular city. So it become a proper noun. River. River is a common noun. Okay. Because river is a common, it is common. It is a name given to common thing. Okay. It common thing like river. So we can't tell that it is, we are talking about a particular river. No, we are just talking about a river. So it is a common noun. But if I talk about river Yamuna, river Brahmaputra, then we are talking about a particular river. Then it is a proper noun. Okay. There are total 12 months. So month is a common noun. But if I am talking about the month of January and March, then it become a proper noun. Book. Book is a common noun. But if I am talking about a particular book, the Ramayana, the Mahabharata, then it become a proper noun. ठीक है? तो देखो दो चीजें हैं. एक तो है common noun. Common noun क्या होता है? Common noun का मतलब जो होता है, जो एक ही तरह की चीजों को हम जब नाम दे देते हैं ना, तो उसको common noun कहते हैं. सेम क्लास या सेम तरह की काइंड की चीजों को जब हम नाम देते हैं तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक है? जैसे कि गांव है, तो बहुत सारे गांव, कोई भी गांव हो सकता है. तो गांव तो एक कॉमन नाउन है. बट मैं अगर पट्टी कल्याणा गांव की बात कर रही हूँ, तो पट्टी कल्याणा एक पर्टिकुलर गांव का नाम है ना. अगर मैं आपको पट्टी कल्याणा गांव बोलूंगी तो आप कहीं और तो नहीं चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, पट्टी कल्याणा में ही जाओगे ना. तो पट्टी कल्याणा एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है? पेन जो है एक पट्टी कल्याणा प्रॉपर नाउन है. पट्टी कल्याणा विलेज एक प्रॉपर नाउन है. पर जो विलेज है वो एक कॉमन नाउन है. ऐसे ही हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे. प्रॉपर नाउन का मतलब जब हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं ना किसी व्यक्ति को, जगह को या चीज को, तो उसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि देखो आपका पर्सन है, पर अगर मैं सुरेश और रजनी की बात कर रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, सुरेश और रजनी की, तो ये प्रॉपर नाउन है. ठीक है? प्लेस है. अब प्लेस तो कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है. बट अगर मैं मुंबई और दिल्ली की बात करूँ, तो एक पर्टिकुलर सिटी है. ऐसे रिवर्स, रिवर्स में अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर रिवर यमुना या ब्रह्मपुत्र नदी की बात करती हूँ, तो ये पर्टिकुलर रिवर का नाम आ जाता है. इसी तरह से मंथ और बुक्स में, मंथ कोई भी मंथ हो सकता है,
बट अगर मैं पर्टिकुलर जनवरी और मार्च की बात कर रही हूँ, तो हमने एक पर्टिकुलर बताया कि भाई एक पर्टिकुलर मंथ है जनवरी और मार्च, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर हम बता दें कि कौन से महीने की बात हो रही है, प्रॉपर हम बता दें कि कौन सी बुक की बात आप कर रहे हो, जैसे रामायण और महाभारत, ठीक है? तो बुक कोई भी हो सकती है, तो जैसे ये है, ऐसी ये है जिसमें से मैं पढ़ रही हूँ, तो ये बुक है, ठीक है? तो बुक तो एक कॉमन नाउन है, एक ही तरह की चीज़ों को बुक कह दिया, एक तरह की अगर बुक्स रखी हुई है तो बुक्स कह दिया। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर बोलूँ कि रामायण की बुक है, महाभारत की बुक है, तो आप कोई भी बुक नहीं उठा के दोगे मुझे, मुझे आप महाभारत की बुक ही दोगे। तो वो महाभारत की बुक जो है, महाभारत बुक, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है? अब आपका ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, गर्ल्स है, गर्ल है, बॉय है, ठीक है? तो बॉय गर्ल ये आप एक कॉमन नाउन है एक, ठीक है? क्योंकि लड़कियां, कोई भी लड़की हो सकती है, एक ही तरह के काइंड को हम लड़कियां बोलते हैं, एक काइंड को हम लड़का बोलते हैं, पर इसमें कोई हमने फिक्स तो नहीं किया ना किसकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ वन्या, ठीक है, या मैं बोलूँ तानिया, तो ये वन्या और तानिया जो है वो एक पर्टिकुलर लड़कियों का नाम, ठीक है? तो ये होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। तो किसी भी कलेक्शन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है? सम नाउन्स आर द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर सिमिलर, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ एनिमल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ ग्रुप और एज अ होल, एज अ कंप्लीट, ओके, देन वी कॉल देम कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ ग्रुप ऑफ आर्मी वी कॉल देम, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स वी कॉल देम आर्मी, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वी कॉल इट टीम, अ कलेक्शन ऑफ कीज वी कॉल इट अ बंच ऑफ कीज, ओके? सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, सिमिलर थिंग्स, एंड वी आर टेकिंग इट एज अ होल, ओके? सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, सो वी गिव दैम अ पर्टिकुलर नेम एंड वी कॉल इट अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है? कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव नाउन में हम बात करते हैं एक बहुत सारे लोगों की या जानवरों की या फिर चीज़ों की, जिनको हम पूरे ग्रुप से लेते हैं, कलेक्शन में बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है? जैसे एक सोल्जर है तो उसको तो सोल्जर कहेंगे, सोल्जर का मतलब सिपाही, बट बहुत सारे सोल्जर जब आते हैं तो एक ग्रुप हो जाता है ना, सोल्जर्स का ग्रुप हो जाता है सिपाहियों का, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। तो हमने सोल्जर्स के ग्रुप की बात की, कलेक्शन की बात की, ठीक है? तो उस कलेक्शन को हम आर्मी कहते हैं। जब एक खिलाड़ी होता है तो वो तो खिलाड़ी, प्लेयर, बट बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं ग्रुप में, ठीक है? तब तो उसको क्या कहते हो, टीम कहते हो, ठीक है? जैसे आपका कंपटीशन होता है, तो आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में टीम बनती है ना, टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या कहते हैं, टीम। तो यहाँ पे कलेक्शन की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, ठीक है? अब कलेक्शन ऑफ कीज, अब ये सारी चाबियाँ है, तो एक ही चीज़, सिमिलर चीज़ है ना, सिमिलर का मतलब सेम, ये सारे खिलाड़ी है जो खेलते हैं, तो इसमें भी एक सिमिलैरिटी है, समानता है, ये सारे आर्मी के सोल्जर्स है, सिपाही है, तो ये सब में एक समानता है, तो इनके ग्रुप की बात होगी जिनमें एक समानता भी होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं चाबियों के गुच्छे की बात करूं, कलेक्शन की बात करूं, तो उसको हम बंच ऑफ कीज बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम एक सिमिलर ग्रुप की, ग्रुप ऑफ पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, पर उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए और उनकी ग्रुप या कलेक्शन की बात होती है ना, तब जब हम ऐसे नाउन्स को जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज द मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन,
द नेमिंग वर्ड्स विच रेफर टू सम मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ आर कॉल्ड मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वूल, सीमेंट, प्लास्टिक, कॉटन एक्सेट्रा. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन मीन्स मटीरियल दैट इज यूज टू मेक अदर सब्सटेंस. ओके, दैट इज मटीरियल एंड वी कॉल दैम मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, इट इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल और अ सब्सटेंस कॉल्ड गोल्ड और सिल्वर. सो फ्रॉम सिल्वर एंड गोल्ड वी कैन मेक ज्वेलरी. ओके, सो थिंग्स, सो द मटीरियल दैट इज यूज टू मेक अदर थिंग्स, दैट मटीरियल, द नेम ऑफ दैट मटीरियल वी कॉल दैम मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन. वाई? बिकॉज गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी. कॉटन, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कॉटन वी कैन मेक क्लोथ्स. वुलन, इट इज वूल, इट इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स. सो इट इज द दीज मटीरियल आर यूज टू मेक अदर थिंग्स. सो द नेम ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट नाउन. What are nouns? Nouns are the name of person, animal, place or things. Okay, and we have studied about common noun, collective noun, material noun, proper noun. तो जो है material noun क्या होता है? Material noun का मतलब जो material से कोई और चीज़ बनती है ना, तो उस material के नाम को material noun कहा जाता है. जैसे कि सोना, सोने से देखो jewelry बनती है, ठीक है, तो गोल्ड से बन रही है ना, तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है क्योंकि इस मटेरियल से कुछ और चीज़ बन रही है. कॉटन, कॉटन से कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो कॉटन वो मटेरियल है जिससे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, तो कॉटन एक मटेरियल नाउन है. वूल, वूल से क्या बनता है? वुलन क्लोथ बनते हैं, तो वूल जो है वो मटीरियल या वो मैटर या वो चीज़ है जिससे कि कोई और चीज़ बन रही है. तो ऐसी चीज़ जिससे कोई और चीज़ बनती है उसके नाम को जो है मटेरियल नाउन कहा जाता है. तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. इस चैप्टर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा और टोटल हमने चार नाउन के बारे में पढ़ा है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. प्लीज़ रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट टू टाइम्स. ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट टू टाइम्स. Thank you so much. Have a nice day. Bye.